तो आ गए फिर से। तो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स जैसे ही खत्म होते हैं ना, तुम्हारे घर वालों का एक ही मोटिव होता है कि इसके सीनियर से पुरानी किताबें लेके इसके मुंह पे मारो। खुश कैसे है हमारा बच्चा। और हाँ, उन किताबों में कवर नहीं होता था, सीधे पेज से ही स्टार्ट होती थी वो किताबें। और किताबों की ऐसी हालत देख के मेरे को कभी कभी लगता था कि हमारे सीनियर लोग सड़क पे बैठ के रगड़ते थे क्या किताबें, और अनवांटेड चैप्टर पहले से ही फटे हुए रहते थे। स्कूल में मैम वो वाला चैप्टर पढ़ा रही, तुमको चैप्टर ही नहीं मिल रहा है। मैम वो हमारी बुक में पेज नंबर 90 से बने थी तक है ही नहीं। गर्मी की छुट्टियाँ, तो गर्मी की छुट्टियाँ पढ़ते से ही हम लोगों ने असेंबल करा हमारा ग्रुप दाल बाटी युवा मंडल। हाँ, हमको भी हमारे ग्रुप का नाम शुरुआत में थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा था, कुछ ऐसे किसी चीज की कमी लग रही थी, तो फिर हमने दाल बाटी प्लस रायता युवा मंडल रख दिया। और हाँ, मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं आई कि स्कूल वाले अप्रैल में स्कूल लगा के क्या कर रहे हैं। टीचर लोग तुमको एक एक चैप्टर पढ़ा देंगे अप्रैल में, और फिर जब तुम भूले भटके दो महीने की गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल आओगे, बेटा अप्रैल में पूरा कोर्स निपटा दिया अपन ने, आंखों आंखों में भटिंग भटिंग करके चैप्टर निपटा थे, याद नहीं क्या तुमको? कब? और ये जो गर्मी की छुट्टियों के मजे रहते हैं ना, ये सिर्फ शुरुआत के 5 दिन रहते हैं। उसके बाद तुमको सूज सूज नहीं पड़ेगी कि करे तो करे क्या। मैं सो सो के थक जाता था, फिर सो के उठने के बाद मेरे को रेस्ट करना पड़ता था। तो इतनी आलस फैलाने के बाद हम लोगों को ख्याल आया दाल बाटी प्लस रायता युवा मंडल का। अब बात हमारी नहीं रही है, दाल बाटी प्लस रायता युवा मंडल मल्टीप्लाई बाय चूरमा भी कर दे क्या। तो हमारी कॉलोनी में एक बार एक कुत्ते का पिल्ला नाली में गिर गया था, क्या मालूम क्या रो रहा था उसके नाम को। जिन लोगों को नहीं पता है, हमारी कॉलोनी में बहुत ही दयालु लोग रहते थे, ऐसे पूरी कॉलोनी वाले इकट्ठे हो गए नाली के आसपास, वो कुत्ता चिल्लाया जा रहा है और ये लोग हिम्मत नहीं आना, नहीं मर रहा होगा तो मर जाएगा वो कुत्ता ये सुन के। और कुछ बहुत ही ज्यादा मंद बुद्धि लोग, अरे ये बड़ा वाला बटापन ऐसे अंदर फेंकते नाली के अंदर तो इससे ऐसे प्रेशर दबाव बनेगा और वो पिल्ला ऐसे उचक के बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? घर जाओ आप, हो गया आपका। और लड़कियां, ओ वाओ कितना क्यूट है, मर जाएगा वो। फिर मैंने सोचा कि ये दुनिया बहुत ही मतलबी है, इसलिए मेरे को भी अब मतलब ही बनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लड़कियां भी थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि अरे मैं ऐसे किसी की जान बचा के एकदम हीरो हीरो की क्या बात है, ऐसा कुछ हो जाएगा। आजा। और मैं पूरा ऐसे डायलॉग वगैरह लिख के ले गया था कि पिल्ले को निकाल के ये बोलूंगा, अगर मैं नाली में हाथ डालने से किसी बेजुबान की जान बच रही है तो मैं डालने के लिए तैयार हूँ हाथ नाली में। कोई सुन ही नहीं रहा है। ये ढोकरा वो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा और लिखता है लमाओ हिंदी में लमाओ लिखा है इसने। मेरे को ऐसा लगा था कि जब भी हम लोग ऐसे कॉलोनी में निकलेंगे तो लोग गाना चलाने लग जाएंगे, हीरो हीरो हीरो। नहीं, कुछ नहीं करा इन लोगों ने, ये लोग कुत्ते को अप्रिशिएट कर रहे हैं। देख मैं बोला था ना, हिम्मत नहीं आ रही तो निकल गया ना तू। देखो यार, कॉलोनी वालों ने मेरे को शाबाशी वगैरह नहीं दी, वो सब ठीक है, लेकिन इनको क्या मालूम क्यों ऐसा लगने लग गया कि मेरे को नाली में हाथ डालने में मजा आते हैं। मेरे पास नाली साफ करने के लिए ऑफर आने लग गए, लेकिन मैंने सारे ऑफर्स को ठुकरा दिया। जी हाँ, तो फिर से आ चुका हूँ मैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं डुओलिंगो के बारे में, मतलब कि जिसके भी दो लिंग। तो गर्मी की छुट्टियों में तुम लोग भी फ्री फोकटे बैठे ही होंगे, तो इधर उधर दीवारों पे माथा पटकने की जगह तुम लोग सीख सकते हो कुछ काम का, जैसे कि डुओलिंगो में मैं सीख रहा हूँ इंग्लिश। अब आगे का मैं पूरा इंग्लिश में बोलूंगा अगली वीडियो से, अभी सीख रहा हूँ ना, अभी सीखा थोड़ी ना हूँ। और सबसे बढ़िया बात, ये डुओलिंगो बिल्कुल ही फ्री ऐप है, समझ लो फ्री। तुम लोग इंग्लिश हिंदी और 40 अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकते हो। लड़कियों को फिर तुमसे वो होगा, मतलब आकर्षित हो जाएगी लड़कियां तुमसे, कि हिंदी में नहीं पढ़ रही तो इंग्लिश बोलने वाली लड़की को, मतलब ऐसे फिर 40 लैंग्वेज आएगी, तुम मतलब पूरे वर्ल्ड की लड़कियों को आकर्षित कर लोगे। तो डुओलिंगो को यूज करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसका इंटरफेस है बिल्कुल मस्त। So go and download Duolingo and learn a new language now. Link is in the description. फिर हम लोगों ने रोज शाम को क्रिकेट खेलना चालू करा साइकिल का स्टंप लगा के। लेकिन हम लोग जैसे ही खेलना चालू करते थे ना, ये डोकरा 1 किलो तंबाकू की थैली लेके आता था और इसके घर का गेट खोल के वहीं पे सामने फसर के बैठ जाता था। और इस डोकरे के आसपास भी बॉल चल जाती थी ना, तो ये हमारी बॉल लेके घर में भग जाता था। अब इस डोकरे के पास ऐसे बॉल तनतनाते हुए जा रही है और ये डोकरा आजा, गले मिलना है क्या तुमको बॉल से, ये क्या है, नहीं क्या पोज है, वो प्लास्टिक की बॉल ऐसे चट करके चिड़ी ना। हमको तो बहुत मजा आ गए थे, वर्थ इट था हमारा खेलना। अरे यार, इनकी तो सांस चल रही है, ये मारे नहीं क्या? मारे जा रहे डोकरे।
खैर अभी तक तो हो गया मजाक मस्ती चुटकुले वगैरह, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक मेरा इमोशनल साइड देखा नहीं है। रुमाल वगैरह रख लेना पास में सेबड़ा पोंछने के लिए। तो एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा डोकरा रहता था, मतलब हाइट छोटी थी उसकी। उस डोकरे को चूसने का बहुत शौक था, आम चूसने का बहुत शौक था। वो बहुत ही गरीब था, उसके पास आम खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए जो लोग आम खाते थे उनके पास जाके बैठ जाता था और उनको नजर लगाता था। आपको ही खाना आम? दो मिनट चट निकल जैसे आम चाहिए इनको। तो वो डोकरे को कभी आम तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन वो डोकरा हमेशा आम की गुठलियां समेटा करता था। एक दो बार तो फालतू में ही लोगों ने उसको कूट दिया, ऐसे ही मजा आते थे लोगों को। फिर धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और अचानक एक दिन वो डोकरा मर गया। गांव वालों को उसके मरने पे बहुत खुशी हुई, उन्होंने शादी पार्टी का माहौल बना दिया था, एकदम भूभा कर दिया था बिल्कुल। फिर कुछ सालों बाद उनके गांव में ढेर सारे आम के पेड़ उग गए, तब जाके गांव वालों को समझ आया कि वो डोकरा गुठलियों का क्या करता था। सारे गांव वाले भौचक के रह गए। फिर सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने काटो ये सारे पेड़, फालतू उगा के चल गया यहाँ पे, मरते मरते भी ढंग का काम करके नहीं गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पेड़ काटो। हम लोगों ने सोचा कि फिजिकली तो ठीक है, पर ऐसे मेंटली भी ग्रो करना पड़ेगा अपने आप को। तो हम लोगों ने मेरी अच्छी बढ़िया रिमोट कंट्रोल कार थी, उसको तोड़ के उसकी मोटर निकाली और ये मैं बोल रहा था अपन में बहुत पोटेंशियल है, पर अपने को मालूम नहीं अपने दिमाग की सीमाएं। और हमारे इधर एक टोपेश नाम के आदमी की किराने की दुकान थी, ठीक है। तुम 24 घंटे में से कभी भी इसके दुकान के सामने से निकलो, इसके दो लफंगे दोस्त और ये तीनों का मुंह चलता ही रहेगा। ये तीनों ही खा खा के सामान खत्म करते थे इसकी दुकान का। नहीं नहीं, पर उन भाभी को देखना एक बार, गौर से देखना एक बार, उनमें है कुछ अलग बात है उनके चेहरे में, ऐसे देख के हो जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपने अभी उनको बिना मेकअप के देखा नहीं है। लेकिन नेचुरल ब्यूटी भी तो होती है कुछ चीज। भैया ये एक नीम वाले साबुन की टिक्की दे दो। ये लो हाजिर है। भैया ये तो एक्सपायर्ड हो चुका है देखो। अरे दीदी ये कंपनी वालों से मिसप्रिंट हो गई होगी, बाकी हमको मालूम है ना, अभी नहीं हुआ एक्सपायर ये। लो खुश। नहीं भैया रहन दो। अब ये तीनों अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए टंकी के नीचे नहा के बता रहे हैं। देखो दीदी ये झाग बन रहा है बढ़िया। देखो कुछ हो रहा है क्या हमको? कुछ नहीं हो रहा ना। लो ले जाओ, मैं कह रहा हूँ लो, अब ले जाओ ये वाले, ये ही था हमारे पास, बाकी के सारे साबुन ये दोनों खा गए। तो दी एंड हो चुका है। और हाँ, इस बार हम लोग बहुत ही स्पेशल चीज कर रहे हैं जो कि आपने कभी पूरे YouTube में नहीं देखी होगी। ये वीडियो के लिए हम लोग रख रहे हैं लाइक एम, जो कि है 2,00,000 लाइक। तो लाइक करके जाओ, इससे YouTube को लगेगा कि अरे वाह क्या ही वीडियो बना दी इन लोगों ने, और मतलब पैसे। और हाँ आई नो कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट हो गई है, और उसके बाद भी मैंने ये जरासिक वीडियो डाल के होशियारी दिखाई है, क्योंकि गाइस बहुत परेशानी चल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था दिन रात, मैं बाहर भी नहीं निकला हूँ पिछले 2 महीनों से, क्योंकि मैं वीडियो पे काम कर रहा था। तो तुम लोग फॉलो नहीं करोगे इंस्टाग्राम पे, तो तुमको पता कैसे चलेगा क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। और हाँ, हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, जहाँ पे हम लोग ऐसे बातचीत करते रहते थोड़े थोड़े टाइम में आके तुम लोगों से रेगुलरली।